और केवल ज्ञान ही नहीं गहरा और ऊंचा है, परंतु साथ साथ जो बाबा हमें प्यार देते हैं वो भी कितना गहरा और ऊंचा है। शक्ति जो देते हैं वो भी कितनी गहरी और ऊंची है। लेकिन ये सब हम अनुभव कैसे करेंगे? तो बाबा कई बार कहते हैं कि जब तुम बच्चों ने अलौकिक जन्म लिया तो आपको जन्म की बहुत सुंदर गिफ्ट दी, जन्मदिन की गिफ्ट देते ना, और वो कौन सी गिफ्ट थी? दिव्य बुद्धि, या कहेंगे तीसरा नेत्र। ये ऐसी गिफ्ट है जो कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकता है, ये भगवान ही दे सकता है। और दिव्य बुद्धि की जहाँ बात आती है तो इसमें, इस दिव्यता शब्द में बहुत गहराई है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, किसी की मंद बुद्धि होती है तो क्या कहते हैं? हे भगवान, इनको बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो। किसी की बुद्धि कोई चंचल होती है तो कहते हैं सद्बुद्धि दो। तो बुद्धि भी दिव्य बुद्धि माना, अच्छी बुद्धि, ऊंची बुद्धि, सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, महान बुद्धि, ऊंची बुद्धि। और जब वो बुद्धि हम ज्ञान के आधार से अनुभव करते हैं तो महसूस होता है कि हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो कैसे हम इस दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, वो भी बाबा हमें बताते हैं। क्योंकि बुद्धि के भेंट किससे की जाती है? एक तराजू से, तराजू से करते हैं ना बुद्धि की भेंट। और तराजू में क्या होता है? तीन चीज़ें होती है। एक तो उसका कांटा होता है जो ऊपर की ओर जाता है, वर्टिकल। दूसरा उसकी डंडी होती है जो हॉरिजॉन्टल, सीधी होती है। और तीसरा इसके पलड़े होते हैं। ये तीन चीज़ें होती है तराजू में। तो बाबा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, माना बुद्धि की लाइन क्लियर, बाबा कहते हैं वो होनी चाहिए। उसके लिए मन एकाग्र होना चाहिए। तो कांटा क्या है? एकाग्रता, हिलना नहीं चाहिए कांटा, बीच में हो। और हिले नहीं तब कहेंगे कि वजन सही है। अगर हिलता रहता है तो भी वजन सही नहीं है। तो पूरा वर्टिकल हो, अर्थात मन हमारा शिव बाबा की तरफ हो। अगर मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है तो कभी भी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे सकेगी। और फिर दंडी सीधी, माना पक्षपात रहित, पक्षपात रहित। पक्षपात होता है ना, किसने मुझे कुछ दिया तो उसके प्रति बुद्धि चली गई, फिर उसका फेवर करेंगे, उसके हित में ही बोलेंगे चाहे वो कितना भी गलत हो। तो ये पक्षपात हो गया, क्योंकि स्वार्थ है। तो जहाँ स्वार्थ है
वहाँ पक्षपात रहता है, निष्पक्ष नहीं हो सकते। पर मन अगर शिव बाबा में एकाग्र है तो बुद्धि निष्पक्ष हो जाती है। तो निष्पक्ष माना किसको महत्व देंगे? पलड़े, पलड़े क्या करते हैं? वजन बताते हैं, चाहे हम उसमें हीरा डालें या पत्थर डालें, वो केवल वजन बताएंगे बस, बाकी भाव नहीं बताएंगे, वजन। तो सच, तो सही बुद्धि जो होगी, शुद्ध बुद्धि जो होगी, सद्बुद्धि जो होगी, दिव्य बुद्धि जो होगी, वो मूल्यों को महत्व देगी, मूल्यों को। वैसे दुनिया में हम देखते हैं, जुडिशियरी में हम देखते हैं ना, हाँ, कानून की दुनिया में, तो वो भी कहते न्याय तब मिल सकता है जब पक्षपात रहे, तो एकाग्र हो और मूल्यों को महत्व दिया जाए। तो इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को मूल्यों का ज्ञान दिया है। आत्मा के जो सात मूल गुण हैं उनका महत्व बताया है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। हम कहते हैं ये सात आत्मा के मूल्य है, ओरिजिनल मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इननेट क्वालिटीज, जो उनके अंदर निहित है। तो एक है हमारे वो अनादि गुण और दूसरे हैं हमारे आदि गुण, जो देवताई गुण हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, गिनते जाओ गिनते जाओ, कितने दैवी गुण हैं। अब इन्हीं सभी दैवी गुणों में, दिव्य गुणों में संपन्न बनना है। संपन्न माना फुल, इसलिए कहा ना सर्व गुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न होना माना मूल्य अपने जीवन में धारण करना। और जब जीवन में मूल्य आते हैं तब कहा जाता है जीवन का भी मूल्य होता है। अगर जीवन में मूल्य नहीं तो जीवन का भी मूल्य नहीं। देखते हैं ना कानून, हमें जो कानून बनाए गए हैं वो भी इसी आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ जुडिशियरी, कानून की बातें आती है, हाँ देखो मोबाइल चल रहे हैं, ठीक नहीं है ये, क्यों मोबाइल ऑन है, किसका मोबाइल चल रहा है, प्लीज़ हाँ मोबाइल सब स्विच ऑफ करके आने चाहिए। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसका जीवन मूल्यवान होता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिसमें ज्ञान गुण शक्तियां है। और बाबा कहते हैं मैं ही इस समय प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए मैं ही दिव्य बुद्धि देता हूँ। तो इन्हीं गुणों में संपन्न बनना, इसको कहेंगे संपन्नता। और बाबा हमको इनमें संपन्न बना रहे हैं। तो संपन्नता की ओर अगर हमें जाना है, उसके लिए हमें इन गुणों में संपन्न बनना होगा। तो कैसे बनेंगे संपन्न? क्योंकि उसी के आधार से हम समय को समीप लाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं पहले स्थापना पालना, फिर विनाश, नहीं उसके पहले फिर नई दुनिया की स्थापना, फिर विनाश। तो नई दुनिया की स्थापना और फिर विनाश माना इन गुणों में संपन्न बनना है, तभी तो इस कलयुगी दुनिया की समाप्ति होगी। तो कलयुगी दुनिया की समाप्ति से पहले हमें सब गुणों में संपन्न बनना है और फिर हम समय को समीप ला सकेंगे।
क्योंकि बाबा हमें बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं, बच्चे विनाश की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपको संपन्न बनना है। एक बार मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली अपना अनुभव सुना रही थी कि किसी ने उनसे पूछा, यूनाइटेड नेशंस की वो मेंबर है, तो यूनाइटेड नेशंस में उसने उसको किसी ने पूछा कि आप समझते हो कि विनाश होगा, तो आप कोई उसकी डेट बता सकते हो? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, उसने कहा उस समय गोर्बाचोव थे रशिया के, जो यूएसएसआर के राष्ट्रपति, और अमेरिका के थे बुश होंगे, जो पहला वाला बुश था। तो उसने कहा विनाश कब होगा वो तो जो विनाश करने वाले उनसे पूछना होगा, गोर्बाचोव से पूछो या बुश से पूछो, पर स्थापना की डेट हम आपको बता सकते हैं। हमसे स्थापना की डेट पूछो, हम विनाश करने वाले नहीं हैं, हम तो स्थापना करने वाले हैं। विनाश की डेट उनसे पूछो क्योंकि उनके हाथ में बटन है, जब बटन दबाया मिसाइल अटैक्स चालू हो जाएंगे, उनके हाथ में है वो, तो उसके लिए हम लोग निमित्त नहीं हैं, परंतु हम स्थापना के निमित्त हैं। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे बाबा से डेट पूछते हैं, बाबा कब होगा विनाश, तो बाबा फिर जवाब में प्रश्न ही पूछते हैं, बच्चे आप तैयार हो? क्योंकि वो तो तैयार हैं। आज भी अगर कुछ हो जाए, अभी अभी न्यूज़ सुन रहे थे, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया है, बड़े खतरनाक लोग हैं वो, पूरा देश उनके हाथ में, पाकिस्तान के नज़दीक है वो, नज़दीक। अगर उन जो जो हथियार है, जो मिसाइल्स है, अगर वो इनके हाथ में आ गया तो क्या होगा, क्या करेंगे? वैसे सारा दिन बंदूक उठा के तो चलते ही हैं, दिखाते हैं ना, पर अगर उनको उनके हाथ में ये बॉम्ब्स आ गए तो क्या करेंगे, अचार डालेंगे हैं? क्या करेंगे हैं? चलाएंगे, तो इसमें क्या करे होगा, उन अपना भी तो नाश करेंगे ना, ऐसे थोड़ी खाली दूसरों का नाश करेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का एक बहुत बड़ा राज समझा दिया है कि बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता है, युद्ध के बल से, हथियारों के बल से, हिंसा के बल से कोई भी दुनिया का मालिक नहीं बन सकता है। सिकंदर के लिए कहते हैं ना, हाथ खाली गया, सोचा तो यही था दुनिया का मालिक बनूं, कितने आए यही सोच कर के दुनिया का मालिक हम बनेंगे, पर हिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए उनका ही अंत हो गया। लेकिन अहिंसा के बल से, त्याग तपस्या सेवा के बल से, प्रेम के बल से सबका दिल जीतेंगे तब हम विश्व के मालिक बन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमें वही रास्ता अपनाने लिए कहा है, इसलिए हम बाबा कहते तुम क्या हो, डबल अहिंसक हो, काम कटारी चलाना भी हिंसा है, ये पहले थोड़ी पता था, हम तो यही समझते थे ना कि ये तो चाहिए तभी तो दुनिया चलेगी, क्योंकि समझा कि यही तरीका है संतान उत्पत्ति का, योग बल भी कोई तरीका है, ये तो पता ही नहीं था। और अभी बाबा कहते ये काम कटारी है, ये भी हिंसा है, काम और क्रोध ये नरक के द्वार है, क्योंकि हिंसा क्रोध से ही होगी, प्रेम से थोड़ी हिंसा होती होती है या प्रेम है वह हिंसा है क्या, नहीं, या क्रोध है वही हिंसा है, तो ये विकार है ही हिंसा। और बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे इन विकारों को तुम्हें जीतना है,
और उन सब का आधार है देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करना है, पवित्र बनना है, तब विश्व के मालिक बनोगे। तो इसलिए बाबा ने जो हमें सरल तरीका बताया है समय को समीप लाने के लिए, वो है इन सारे गुणों में संपन्न बनना। तो यही हमारी चेकिंग है, अब कौन से गुण की कमी है मेरे अंदर, कौन से गुण की कमी है, ये अगर रोज हमारी चेकिंग होगी तब हम संपन्नता की ओर जा सकेंगे। अगर वो कमी है तो उसको भरना है, कमी को भरना है। कमजोरी में शक्ति भरनी है, कमियां कमजोरियां अवगुण, अवगुण को निकालना है, क्योंकि सभी गुणों के अपोजिट में अवगुण हैं। और अवगुण ऐसे नहीं निकलेंगे जब तक गुण को नहीं भरेंगे। गुण को भरेंगे तब अवगुण निकलेंगे। अवगुण कोई चीज नहीं है, ये कमजोरी है। तो इसलिए बाबा जो हमें कहते हैं संपन्न बनना है, अर्थात सर्व गुणों में संपन्न बनना है, तो एक एक गुण मेरे अंदर कितने तक हैं, जैसे बाबा सागर है, हम उनके बच्चे मास्टर सागर हैं, तो उन समान हमें बनना है। क्योंकि समय को समीप लाने लिए जो महत्वपूर्ण योगदान जिनका होगा, वो तो एक तो प्रकृति है और दूसरा बाबा कहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं एडवांस पार्टी, और वो दोनों ही बाबा से पूछ रहे हैं बाबा हम कब तक कब शुरू करें अपना काम, क्योंकि प्रकृति ने एक बार हलचल शुरू की और अगर पांचों तत्व एक साथ मिल गए हलचल करने के लिए तो कुछ बचेगा। अब सोचो, हम मिसाल देते हैं जापान में जब सुनामी आया तो उस समय तीन तत्वों ने काम किया, पांचों ने नहीं काम किया। अगर दूसरे दो भी काम करते तो खत्म हो जाता सब कुछ। तीन कैसे तत्वों ने काम किया, सागर के नीचे धरती जो है वहाँ वो हिली तो भूकंप आया, तो धरती ने पहला काम किया भूकंप लाकर, और फिर सागर में उछल आई क्योंकि भूकंप हुआ धरती में सागर के नीचे, और उछल आई और सुनामी हुआ, कितने लोग मारे गए। और फिर तो जल ने त्राही मचाई, पहले धरती ने, फिर पृथ्वी ने, फिर जल ने, फिर उसके बाद वो जो वहाँ पर सारे न्यूक्लियर प्लांट्स थे, वो रिएक्टर्स थे जिससे बिजली पैदा हो रही थी, उनको आग लगी, इतनी ज़बरदस्त आग लगी जो कैसे बहुत नुकसान हुआ। तो तीन तत्वों ने काम किया उस समय, जल, अग्नि और पृथ्वी, बाकी वायु और आकाश बाकी था। और अगर वायु काम करता, माना हवा आती इतनी तेज, तूफान आता, तो वो जो रिएक्टर्स थे उसमें तो रेडियो एक्टिविटी थी, वो हवा उसको चारों ओर फैला देती और सब कुछ दूषित हो जाता, सारी हवा दूषित हो जाती होती, जो सांस लेना भारी हो जाता होता, पर हवा ने काम नहीं किया। और फिर अगर आकाश फटता, माना बादल फटता या कुछ भी, आकाश से बिजली आती या कुछ होता, तो फिर तो बारिश अगर हुई उसी से तो सारा सागर दूषित हो सकता था। और सारा सागर दूषित हो गया तो सब मछलियाँ जो भी सागर में, वो भी सब मर जाती। इसलिए वो दो तत्वों ने काम नहीं किया,
और अगर पांचों ही तत्व एक साथ काम करे तो हाँ? आप सोचो, इसलिए फिर भी बच गए। हाँ? जब बाबा यज्ञ में बच्चों के साथ थे तो 14 साल जो भट्ठी चली, उन 14 सालों में भी कितना बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि 36-37 से लेके 50 तक ये 14 साल भट्ठी में थे। तो उन्हीं वर्षों में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, 39-45, 6 साल तक विश्व युद्ध चला और लाखों लोग मारे गए उस विश्व युद्ध में, खास वो यूरोप में, लेकिन सब देश इन्वॉल्व थे उसमें। कितने लोग लाखों मारे गए, भारत के भी कितने सैनिक मारे गए। तो 6 साल तक वो विश्व युद्ध चला और वो समाप्त कब हुआ, जब अमेरिका ने जापान में, जो बाबा मुरलियों में सुनाते हैं, हिरोशिमा नागासाकी, ये दो बड़े शहर जापान के हैं, उन पर जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया तो जापान ने सरेंडर किया। उस समय दो शहर उसके तबाह हो गए, इतना बॉम्ब्स, और वो तो छोटे बेबी 10 मेगाटॉन बॉम्ब्स कहते थे, बेबी बॉम्ब्स थे, बच्चे थे वो बॉम्ब्स, और अभी तो कितने हो गए। तो सरेंडर किया, अमेरिका, इंग्लैंड जीत गया, जर्मनी हार गया, बहुत इसका इतिहास है पूरा। तो जिस हिटलर ने समझा था मैं दुनिया को जीतूं, वो कहाँ जाकर उसकी मृत्यु हुई, एक टापू पर जाकर आत्महत्या कर ली, बस खत्म, ऐसे बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उस समय ये हुआ ना, तो बाबा से पूछा गया कि बाबा क्या ये विनाश है, यही विनाश है, क्योंकि समाचार तो सुनते थे और बाबा के बच्चे तो भट्ठी में थे, एकदम सुरक्षित, जैसे बिल्ली के पुंगरे बाबा कहते हैं सुरक्षित रहे, तो यही विनाश है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है। फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, कितनी रक्त की नदियां बही, क्योंकि उथल पुथल सारा हो गया, हाँ, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, तो कितनी उथल पुथल हुई, कितने लोग मारे गए, कितनी रक्त की नदियां बही। तो उस समय भी बाबा से पूछा गया, बाबा क्या यही विनाश है, सिविल वॉर था ना, एकदम गृह युद्ध जैसा है था ना। तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है, रिहर्सल करते ना, फाइनल से पहले रिहर्सल होती है। तो बाबा ने जैसे वो झलक बताई कि ये रूप होगा, रक्त की नदियाँ बहेगी। फिर उन्हीं वर्षों में बाबा तो कराची में थे, क्वेटा एक शहर है बलूचिस्तान में ना, पाकिस्तान में ही है, वहाँ पर ज़बरदस्त भूकंप आया था, ज़बरदस्त, पूरा शहर का शहर ख़त्म हो गया था, उसमें भी कितने मर गए थे, क्वेटा शहर, कई सिंह जो लोग हैं वो बताते, क्वेटा में उनके रिश्तेदार रहते थे, सब ख़त्म हो गए, दब गए, इतना भूकंप आया। तो भी बाबा से पूछा, बाबा ये विनाश है, बाबा ने कहा नहीं ये रिहर्सल है। तो समझो प्राकृतिक आपदाएं भी आई, साथ साथ सुनामी भी आया, उन्हीं दिनों में सुनामी भी आया था, दूसरा विश्व युद्ध में कितने मारे गए, कि जो कुछ हुआ वो सब एक बहुत बड़ा रिहर्सल था। कई तो पैदा कहाँ हुए थे, हाँ, जो उस समय पैदा हुए होंगे उनको थोड़ा अनुभव होगा। फिर चाहे भारत में युद्ध हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ, मुझे याद है वो, हाँ, फिर 70 में भी कुछ हुआ, एकदम ब्लैकआउट, बाहर झांक भी नहीं सकते थे हम,
ऐसी स्थिति थी, जिन्होंने अनुभव किया तो उठाओ, बुजुर्ग जो होंगे, हाँ आप सबने तो कुछ आपने किया, वेरी गुड, हाँ मुझे याद है। आवाज़ भी नहीं करना, शीशों को खिड़कियों को तो कागज़ लगा देना होता था, और लाइट नहीं जलाना है, वो मोमबत्ती की लाइट भी वो भी नहीं बाहर आनी चाहिए, नहीं तो कहीं बम गिरा देंगे आपके ऊपर, ऐसी स्थिति थी। तो देखा गया कि ये सब रिहर्सल तो हो चुकी है और अभी तो प्रकृति इंतज़ार कर रही है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर ला रही है बहुत कुछ, हाँ रोज़ सुनते रहते हैं, वहाँ भूकंप आया, वहाँ भूकंप आया, बहुत कुछ सुनते हैं, फिर 3.5 ऑन रिक्टर स्केल, फिर 4, कोई 5, चलो 6 तक, फिर भी अगर 8-10 हो जाए तो क्या हालत होगी। अब सोचो ये सारी जो बाबा कहते हैं ना ताश के पत्तों की तरह, ये सारे इतनी ऊंची ऊंची इमारतें सब गिरेगी, और अभी भी कह रहे हैं क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, सारे जो बर्फ़ के पहाड़ वो पिघल रहे हैं, वो अगर वो सागर को ऊपर कर रहे हैं, और जैसे सागर और ऊपर आता जाएगा, जो सागर के नज़दीक शहर है वो तो सब पानी में चले जाएंगे। अभी भी बहुत डर है लोगों को, बहुत डर है, कितने कितने उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन कोई भी बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बदलेंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेंगे, कुछ करेंगे तो वो सारी वोट की दुनिया है। तो हम देखते हैं ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये तो होना ही है, और ये नहीं समझना बाबा के बच्चे बच जाएंगे, हाँ ये भी नहीं, हमें भी तो जाना है ना वापस घर। कई बार बाबा की मुरली में आया है महाकाल को बुला रहे हो, शिव महाकाल है ना, महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैन में, तो महाकाल को बुलाना माना महाकाल क्या करेगा सबको मुक्त करेगा ना, काल के पंजे से मुक्त करेगा, तो महाकाल भी अपना काम कर रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रकृति पूछ रही है मैं हम कब अपना काम शुरू करें, फिर एडवांस पार्टी पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें, तो कई पूछे एडवांस पार्टी क्या काम कर रही है, तभी तो बुद्धियों को टच कर रही है, बुद्धियों को टच माना बाबा के नज़दीक ला रहे हैं। कई कहते हैं दादी जी के जाने के बाद कैसे बाबा की सेवाएं और बढ़ी, फिर जानकी दादी के अव्यक्त होने के बाद कैसे ये सब और आगे बढ़ा, अभी गुलजार दादी के अव्यक्त होने के बाद और भी आकर्षित हो रही आत्माएं, ऑनलाइन बच्चे पैदा हो रहे हैं बाबा के बच्चे, हाँ ऑनलाइन, हाँ यहाँ बैठे हैं कोई जिन्होंने केवल ऑनलाइन कोर्स किया और बन गए बाबा के बच्चे, वो देखो एक हाथ उठा रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, दो, सेंटर पर कोर्स नहीं किया ऑनलाइन कोर्स किया, तो जी हाँ बहुत होंगे, आते हैं ना, आए कई बार आते हैं। तो आप सोचो जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, इसके पीछे कितनी गहराई और कितना आगे जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं सचमुच, वो इतना उमंग इतनी लगन जो बात मत पूछो, जमीन लोग देने को तैयार हैं, क्या नहीं करने को तैयार है बहने बताती है, लेकिन मधुबन से स्टॉप आया, किसी से नहीं लेना अभी कुछ भी कुछ नहीं लेना अभी किसी से, वो तैयार होंगे, बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था अंत में आएंगे, उनको पता है ना विनाश होना है तो ऑफर करेंगे, लेकिन बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है और वो तो बड़ा श्राफ है, मट्टा सट्टा करते हैं तो वो क्यों लेगा, फिर वापस तो करना पड़ेगा और काम तो आएगा नहीं, तो इसीलिए अभी तो बिल्कुल ऑर्डर आ गए हैं कि कुछ भी नहीं लेना है, कोई नया गीता नहीं, गीता पाठशाला नहीं खोलनी है, कुछ नया अभी नहीं खोलना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मना है, जो है उसकी पालना करो। तो इतनी इन्विटेशंस आ रहे हैं,
ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारा दिन कितना चल रहा है, हम भी इसमें बहुत बिजी रहते हैं, देश विदेश का, हमारा तो फिर विदेश भी है, हमको ना करना पड़ता भाई हम बिजी है का तो समय का भी बहुत अंतर होता है। आप एशिया में जाएंगे तो वहाँ तो वो आगे है ना, एशिया प्लस है, तो यहाँ का तो 6:30 होगा, तो वहाँ पर 4 बजे होंगे सुबह के, क्योंकि 4 बजे क्लास कराओ। हमने कहा भाई नहीं, हम नहीं करा सकते, हाँ यहाँ तो वहाँ तो, पर वहाँ का 6:30 वो टाइम तो एक्यूरेट राइट है उनका, पर यहाँ का तो फ़र्क है ना टाइम में, तो इसीलिए मुश्किल होता है बहुत कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो एडवांस पार्टी तैयार है। एडवांस पार्टी का एक कार्य है सबकी बुद्धियों को टच करना, बाबा के नज़दीक लाना, और दूसरा कार्य है जो बाबा कहते हैं कि वो योग बल की संतान को जन्म देंगे, इतनी योग की कमाई की है तो वो भी तैयार है श्री कृष्ण को लाने के लिए। कई पूछते हैं श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, हम कहते अभी तक जन्म कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा ही सो श्री कृष्ण बनेगा, अभी वही वतन में इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, हम घर जाएंगे तभी तो वो आएगा ना। और आज भी बाबा ने कहा तुम बच्चे खाली हाथ लगा के आओगे, तुरंत आओगे, क्योंकि सबसे जास्ती और सबसे पहले बिछड़ी हुई आत्माएं हम बच्चे, 9 लाख तो कम से कम चाहिए ना सतयुग के आदि के लिए, तो कौन जन्म देंगे, ये वही आत्माएं जन्म देंगी, योग किया योगी आत्माएं, तो योग बल से पैदाइश होगी, लेकिन उसके लिए पहले जाना तो होगा। तो अभी तक क्यों कहते नहीं श्री कृष्ण ने जन्म कहीं नहीं लिया है, क्योंकि पढ़ाई चल रही है, भगवान की पढ़ाई चल रही है, भले रिवाइज्ड है, साकार मुरलियाँ तो हम 50 साल से ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ भी रिवाइज हो रही है, तो वो रिवाइज कोर्स सिद्ध करता है कि परीक्षा नज़दीक है। जब परीक्षा नज़दीक होती है तो क्या होता है, पढ़ाई का कोर्स पूरा हुआ, फिर क्या करना होता है, हाँ रिवाइज करना होता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होती है। तो एग्ज़ाम की तैयारी माना पूरा रिवीजन चाहिए सारे सिलेबस का, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, क्योंकि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली हमारी पढ़ाई है, वही हमारी श्रीमत है, और उस श्रीमत के आधार से हम चल रहे हैं। कुछ भी अगर प्रश्न है मुरली से जवाब मिल जाता है, अगर उसकी गहराई में अच्छी तरह गए तो। खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो क्या कहेंगे, बाबा की मुरली तो वही है वही है, हाँ मुझे याद करो, पवित्र बनो, ये तो उसमें कितनी गहराई है, एक एक महावाक्य में जितनी गहराई में जाएंगे आपको लगेगा कि इसमें और गहराई है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी और गहराई महसूस होगी, अगर उस दिव्य बुद्धि से हम पढ़ते हैं तो। तो समय को समीप लाने के लिए संपन्नता बहुत जरूरी है, और हम संपन्न बने, गुणों में संपन्न बने, उसमें पवित्रता भी आ गई, संपूर्णता माना 16 कला संपूर्ण, पवित्रता की इतनी कंप्लीट स्टेज बाबा हमसे चाहते हैं, जिसको दुनिया असंभव कहती है, साधु सन्यासी भी असंभव कहते हैं, वो हम बच्चे संभव करके दिखाते हैं। और यहाँ तक बाबा ने कहा ये सब जो सत्ताएं हैं सब हिलेगी, अभी हिली ना ये, आप देख आपने सुना होगा ना, हाँ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, अब सुसाइड किया उस संत ने या मर्डर हुआ, अभी तक तो वो गुत्थी सुलझी नहीं है, पढ़ते होंगे न्यूज़ तो पढ़ते होंगे, तो वो भी तो गद्दी हिल गई है, ये इतनी बड़ी गद्दी मानो साधु संतों का हेड समझो,
वो अगर सुसाइड करे, इतना ज्ञानी तो आत्मा, इतना पहुंचा हुआ, यहाँ तक कि कहते अगर उसने आत्महत्या की है तो वो ब्रह्मलीन क्या हुआ होगा, वो तो आत्मा भटकेगी, यहाँ तक भी बोल रहे हैं लोग। कोई कहे भाई साधु माना ब्रह्मलीन हो गया, ज्योति जोत समाया, लेकिन अगर आत्महत्या की तो वो आत्मा को तुरंत जन्म मिलेगा क्या? मुश्किल है ना, अब कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन वो धर्म के जो अड्डे बन गए हैं, वो सारा जो कुछ भी झमेले हैं, ये सब धन की बात है। अभी वही बातें चल रही, धन जमीन, इतने करोड़ों करोड़ों उनके पास पैसे हैं, करोड़ों गिनती से बाहर, इतनी ज़मीनें हैं, इतना कुछ है, लेकिन बाबा कहते वो सब गद्दियाँ हिलेगी, धर्म सत्ता भी हिलेगी, राज्य सत्ता भी हिलेगी। हर देश में आप देखो राजनीति इतनी बिगड़ गई है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, सब जगह, ऐसे नहीं खाली भारत में है, सब जगह है, हर देश की अपनी समस्या है। हम लोगों को न्यूज़ नहीं मिलती और देशों की, लेकिन वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो अंतिम समय चल रहा है, ये सब गदियाँ हिलेगी, लेकिन जो पहले समझते थे ना कि आप लोग जो इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, पर वो भी तो इतना देते हैं ना, वो भी इतना अच्छा सुनाते, आप भी अच्छा सुनाते हो, पहले तो सुनने को तैयार नहीं थे, अभी कहते आप लोग भी अच्छा सुनाते हो, पर वो कोई कम नहीं है। हाँ, पर बाबा ने कहा कि एक दिन आएगा जब वो कहेंगे आप ही, आप भी नहीं लेकिन आप ही। वो किस आधार पर होगा? पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। वो पवित्रता की शक्ति ही एक ऐसी स्थायी शक्ति बन जाएगी, इतनी शक्तिशाली स्थिति वो बन जाएगी जिसके आधार से कोई हिला नहीं सकेगा। जिसको अंगद के लिए कहते भाई उसका पैर कोई हिला नहीं सका। और कहाँ तक बाबा पवित्रता की बात कहते हैं? स्वप्न मात्र तक भी अपवित्रता न हो, केवल ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई बड़ी बात नहीं है तो बाबा तो उसको तोड़ा ही देते हैं। कई ऐसे शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, क्या बड़ी बात है? लेकिन स्वप्न तक भी वो ब्रह्मा आचरण हो, उसको कहेंगे ऊंची से ऊंची पवित्रता। और उसका आधार बाबा क्या बताते हैं? अशरीरी अवस्था, बीच बीच में अशरीरी हो जाओ, न्यारे हो जाओ, देह से न्यारे हो जाओ। क्योंकि जब तक अशरीरी अवस्था नहीं बनी है तब तक वो पवित्रता की शक्ति भी अनुभव नहीं होगी, इंद्रियां चंचल होगी। इंद्रियों की चंचलता का आधार ही है देह अभिमान, और जहां इंद्रियों की चंचलता है वहां तो सारे विकार है। ये पंच इंद्रियां कहते हैं ना, तो पंच इंद्रियां, एक एक इंद्री एक एक विकार का प्रतीक बन जाती है। पंच इंद्रियां कहते हैं पंच रस है ये पांच, जैसे आँख नाक कान आदि, तो सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, फिर त्वचा, ये भी एक शक्ति है, हाँ, महसूस करने की शक्ति। तो एक एक विकार जो है एक एक इंद्री का रूप है। कैसे? अब त्वचा ही ले लीजिए, त्वचा शरीर, हाँ, चमड़ी होता है ना। आप एक संग्रहालय में जाइए, वहाँ पर चारों ओर लिखा रहता है प्लीज डोंट टच, कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, सब जगह लिखा रहता है, एक एक जगह। लेकिन कितने लोग जब देखे तो सही, कोई देख तो नहीं रहा है। देखे तो सही, हाथ तो लगाएं।
तो हाथ तो लगाए माना ये किसका आकर्षण है, चमड़ी का आकर्षण, और उसका विकराल स्वरूप है काम वासना। वो क्या है, चमड़ी का ही तो आकर्षण है, और क्या है। तो चमड़ी का आकर्षण ये काम विकार, फिर क्रोध, हाँ ये आंखों का आकर्षण, आंखों का आकर्षण, आंखें सबसे पहले अंदर में गुस्सा होता है ना, तो मुंह से तो बाद में निकलता है, पहले कहाँ से निकलता है, ऐसे आंखें हैं, पता चल जाता है कि इसके अंदर में गुस्सा है। ये तो हो नहीं सकता कि अंदर में गुस्सा हो और बाहर से आंखों में प्यार हो, ऐसे हो सकता है, नहीं, गुस्सा तुरंत दिखाई देता है। तो ये आंखें, ये गुस्सा, आंखों का आकर्षण, फिर जीभ का क्रोध, आंखें, फिर जीभ, ये लोभ का आकर्षण, लोभ, टेस्ट, ये भी कहते, देखो जीभ और पेट, क्योंकि जीभ से फिर अंदर पेट में जाएगा, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। जो जीभ को पसंद है ना, वो पेट को पसंद नहीं है, पेट उसको स्वीकार नहीं करता, पर जीभ टेस्ट, टेस्ट, हाँ, स्वाद, स्वाद। तो स्वाद, ये तीसरी चीज, लोभ, ये भी लोभ है। पेट भरा हुआ तो भी एक गुलाब जामुन आ गया, लो खाओ। तो जीभ, फिर मोह, मोह नाक, किसी से मोह होगा ना तो बस गले लगेंगे उसके, वो नाक ही रगड़ते रहेंगे उसके आगे। स्मेल, नाक की जो शक्ति है, सूंघने की शक्ति, ये मोह के वश है। क्यों इतना नज़दीक जाना है, दूर से नमस्ते कर लो ना, अभी कोरोना हुआ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, भारत में तो वैसे ही हमारी प्रथा है हाथ जोड़ना, हाँ दूर से नमस्कार, वो तो विदेशों में तो हाथ मिलाते हैं, तो यहाँ तक हो गया कि विदेशियों ने भी सीख लिया, विदेशियों ने भाई दूर से ही नमस्कार करना, हाथ नहीं मिलाना, हाथ मिलाना मना, ये भी टच हो गया ना, ये भी नहीं जी, हाँ। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी, दूरी बना के रखो। तो मोह माना ये नाक की सुगंध, क्यों नज़दीक इतना आते, ज़रूरत क्या है, कुछ स्मेल, उनकी सुगंध चाहिए। और अहंकार, कान, किसने मेरे लिए कुछ कहा, कौन होता है वो, मैं भी कोई कम हूँ क्या, ये कान खड़े हो जाते हैं। तो ये अहंकार, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम वासना त्वचा, क्रोध आँखें, लोभ जीभ, स्वाद और मोह नाक, और अहंकार कान, ये पांचों ही इंद्रियां आ गई। तो ये पांचों ही विकार इस इन इंद्रियों से प्रकट होते हैं, और अगर सहज रूप से इनको जीतना है, वह देही अभिमानी बनो, पहले देही अभिमानी बनना होता है, जिसको बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बहुत कुछ दिखाई देगा, कलयुग है ना, लेकिन हमको देखते हुए नहीं देखना है, उसके लिए आंखें बंद नहीं करनी है। बाबा कहते सूरदास ने आंखें फोड़ दी, फोड़नी भी नहीं है, बंद भी नहीं करनी है, और ही खुली आंख से हम योग करते हैं, ये भी एक अथॉरिटी है। आंखें बंद कर ली, कैसे पता चलेगा कि मन चंचल है नहीं चंचल है, देख ही नहीं रहे हैं, पर देखते हुए नहीं देखना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बताते ना, कई कहते भाई विश्वामित्र ने 50,000 साल तक तपस्या की, तो विष्णु जी ने सोचा अभी इसकी परीक्षा ले, 50,000 साल तक तपस्या की है। तो मेनका बताते ना, उनके सामने आई एक परीक्षा लेने लिए अप्सरा आई, तो जैसे अप्सरा आई तो आवाज़ आई, आंखें खोली और वो
उसके कामासुर हो गया या जो भी कुछ कहो कि कामातुर हुआ या उसका उसके वश हुआ, तो 50,000 साल की तपस्या कहाँ गई? कहाँ गई 50,000 साल की तपस्या? इसलिए कई कहते हैं अरे विश्वामित्र जैसा जिसने 50,000 साल तक तपस्या की वो भी फेल हो गया, तो हम तो मनुष्य हैं इसीलिए हम तो मनुष्य हैं, हम क्या कर सकेंगे? तो बाबा कहते तुम मनुष्य नहीं हो, तुम क्या हो? फरिश्ता हो। फरिश्ता बनना है तो फरिश्ता हो, देवता बनना है पहले ब्राह्मण हो, तो उसके कैसे ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हैं? फरिश्ता फरिश्ता माना ही जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना जिसके धरती पर पांव नहीं, फरिश्ता माना जो सदा ही रक्षक है, सदा ही देता है। तो फरिश्ता बनना है तो पहले तो अशरीरी बनना पड़े ना, क्योंकि प्रकाश का शरीर माना ये इस देह के शरीर से न्यारे, ये हड्डी मांस के शरीर से न्यारे। आज भी बाबा का वरदान ही था ना, दुख अशांति ये सब क्या है? ये सब शरीर की चीजें। इसीलिए कई समझते आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा के ऊपर तो कोई लेप छेप लगता नहीं, सब शरीर का है। लेकिन शरीर का ही तो आत्मा पर लगता है ना, आत्मा का शरीर पर लगता है, और मन इसका एक सेतु है जो आत्मा और शरीर को मिलाता है, ब्रिज है। शरीर का असर मन पर, मन का असर शरीर पर जरूर पड़ता है, शरीर का असर मन पर पड़ता है। अब कहाँ पर कुछ दर्द है तो जरूर मन उदास तो होगा, और मन उदास है तो शरीर में परिवर्तन आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी पहले बनना है। देही अभिमानी और अशरीरी में क्या अंतर है? देही अभिमानी माना कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस देह द्वारा कर रही हूँ, करा रही हूँ, मैं आत्मा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्मा आत्मा। अब आंखें देख रही है, आंखें तो खिड़की, हम कहते हैं ना समझाते हैं ज्ञान, आत्मा का परिचय देते हैं जब। अब खिड़की खुली है, खिड़की तो नहीं देख रही है ना, खिड़की तो खिड़की है, वो खुद नहीं देख रही है, पर खिड़की से कोई और देख रहा है, तो आत्मा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देख रही है। अब खिड़की बंद रखो खुली रखो, नहीं देखना है आत्मा को, तो आत्मा न देखे, मालिक है। देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं सुने, कान तो खुले ही हैं, चलो आँखें तो बंद कर सको, कान को ऐसे हाथ से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बंद करेंगे? इसीलिए सुनते हुए नहीं सुनो, क्योंकि हम दूसरों को रोक नहीं सकते। किसको कहेंगे भाई गुस्सा मत करो, वो कहेगा करूँगा, तुम कौन होते बोलने वाले, हाँ करूँगा, ऐसे मत देखो, वो कहेगा देखूँगा फिर चलो झगड़ा करो। इसलिए क्या करना है? रास्ता बदल दो, या देखते हुए नहीं देखो। वो जो कर रहा है उसका कर्म, मैं जो करूँगा वो मेरा कर्म बन जाएगा। वो कर रहा है इसलिए मुझे करना है। बाबा कहते बदला कभी मत लो, बदल के दिखाओ। तो देही अभिमानी स्थिति माना आत्मा अभिमानी स्थिति, हर कर्म में आत्मा इस देह द्वारा कर रही हूं, नहीं करना है न्यारी हो जाऊं, देखते हुए नहीं देखूं, सुनते हुए नहीं सुनूं, और इन इंद्रियों को हम शुद्ध बनाते जाएं। ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं है, ये हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए, ये हाथ हाँ ये दुआएं देने के लिए है, ये हाथ किसी की सेवा करने के लिए है, ये हाथ दाता के हाथ है। इसलिए देवियों का हाथ या तो वरदानी हाथ दिखाते हैं और या तो आशीर्वाद का हाथ, जैसे दिखाते हैं बुजुर्ग लोग सिर पर हाथ रखते हैं, तो ये आशीर्वाद का हाथ, और लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाएंगे? दाता का हाथ, धन निकल रहा है। तो या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे,
और ये ऐसे वो क्या है, आप देखेंगे भारत की जो संस्कृति है उसमें ऐसे है ही नहीं, और धर्मों में जाइए उसमें ऐसे है। हाँ, ऐसे ही सारा वो नमाज भी पढ़ेंगे तो कैसे करते हैं ना, या जो ऐसे मांगने मांगना, और भारत की संस्कृति दाता की संस्कृति, देने वाली दाता बनो। तो और जितने भी धर्म है उन सब में मांगना है, और भारत की संस्कृति में देना है। तो ये भारत की हमारी संस्कृति है, भरपूरता की संस्कृति, कहीं भी आंख न डूबे। तो अंदर अगर भरपूर है तो बाहर आंख नहीं डूबेगी, उनको देखते हुए नहीं देखेंगे। दुनिया में बाहर क्यों डूबती आँख, क्योंकि अंदर खाली है, अंदर खाली है। कई बार जब हम कहते हैं ना अपने अंदर झांक के देखो, अंतर्मुखी बनना, मन अंदर झांक के देखना, तो कई कहते हैं बहन जी बहुत डर लगता है अंदर झांकने में। क्यों डर लगता है? दो कारण बताते हैं। एक कारण ये है कि अंदर खाली है, अब खाली में क्या देखना, और दूसरा इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो अंदर कुछ पॉजिटिविटी होगी भी ना, अच्छी अच्छी बात होगी भी ना, वो उसमें छिप जाएगी। जैसे कबड है, कबड के अंदर खूब चीज़ें भर दो भर दो भर दो, पूरा भर दो, अब उसमें अच्छी चीज़ भी होगी तो बेकार चीज़ें भी होगी, और ऐसा भर दो और ठूस दो और एकदम बंद कर दो, अब आपको खोलने में डर लगेगा। डर लगेगा कि नहीं, कि अगर मैं कबड खोलूंगा तो क्या होगा सब कुछ निकल आएगा बाहर, फिर जो काम की चीज़ है वो रखी का वो तो पता ही नहीं, क्योंकि सब मिक्स हो गई है, और फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि सब बाहर आ जाएगा, फिर कहाँ अंदर बैठ के रखें, इसलिए खोलो ही नहीं, अच्छी चीज़ भी नहीं देखो तो या तो खाली है, डर लगता है, खाली चीज़ में डर लगता है, अब अंधेरे में आपको डर लगेगा तो अंदर अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं, इसलिए अंदर जाने में भी डर लगता है, और अगर है तो पाप भरे हुए हैं इसलिए अंदर जाने में डर लगता है। थोड़ा बहुत पुण्य है, थोड़ा बहुत गुण है, वो गुण कहाँ दिखाई देता है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे अंदर झांको, ये निकालो, पर निकालने के लिए निकालो नहीं, अच्छे भरते जाओ, ये अपने आप निकल जाएगा। मैं अशांत हूँ अशांत हूँ ये मत कहो, मैं शांत स्वरूप हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ ये कहो, अशांति अपने आप भाग जाएगी। मिसाल देते ना कि एक बाप था, उसने अपने तीन बच्चों को कहा कि इतना पैसा है, एक कमरा अपना, एक एक कमरा अपना भर लो, तो एक ने कहा इतना थोड़े में पूरा कमरा कैसे भरेगा, तो क्या किया, वो किचरा लेकर के आया और कमरे में भर दिया। दूसरे ने कहा दे क्या भरेगा इसमें, तो अब इतने पैसे में क्या भरेगा, तो वो जो गोबर वोबर है ना, मतलब फालतू चीज़ें। पर एक ने कहा चलो इसी से मैं एक दिया लेता हूँ, तो दिया लिया, उसमें बाटी बनाई मतलब, और उसमें उसको जलाया तो सारे कमरे में प्रकाश हो गया, तो सारे कमरे में हो गया, और वो पाई पैसे की चीज़ थी, और उन्होंने तो क्या किया है, सब किचरा भर दिया। तो अंदर में प्रकाश हो तो वही ज्ञान ही तो प्रकाश है, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये ज्ञान जैसे अंदर में भरता जाएगा, जो बाबा की मुरलियों से मिलता है, इसके आधार से वो प्रकाश जैसे अंदर आता जाता है, ये सारे गुण अपने आप आते जाएंगे। ज्ञान प्रकाश आया तो पवित्रता भी आएगी, शांति भी आएगी, प्रेम भी आएगा, सुख भी आएगा, शक्ति भी आएगी, आनंद भी आएगा, सारे गुण आएंगे। वो कई कहानियाँ बताते हैं कि तीन जने थे, उन्होंने कहा कि एक आ जाए, पर एक ने कहा कि हम आएंगे तो तीनों आएंगे, हाँ
क्योंकि अगर ये दो नहीं तो हम भी जाएंगे। फिर आखिर एक को बुलाया तो उसके पीछे पीछे दोनों आ गए। ऐसे बताते कहानियाँ हैं बहुत। तो इसका मतलब क्या है? वो देही अभिमानी स्थिति। तो जैसे ही कुछ मन में कोई विकृति आए, विकार आए, मैं आत्मा हूँ, जो बाबा कहते हैं ना, देही अभिमानी, देह से न्यारे हो जाओ, बिल्कुल देह से न्यारे। फिर जब बाबा कहते विदेही स्थिति, विदेही स्थिति का मतलब क्या है? राजा जनक का मिसाल देते विदेही स्थिति। तो विदेह या विदेही, विदेह विदेही, तो सब कुछ होते हुए भी आँख कहीं ना डूबे, इतने महलों में रहते हुए भी आँख नहीं डूबी, ये विदेह स्थिति है। छोड़ना नहीं है कुछ भी, लेकिन इसको भी कहेंगे देखते हुए नहीं देखना। अंदर से भरपूर है, इसलिए बाहर का कोई आकर्षण नहीं। एक तो कछुए के समान देही अभिमानी बनना, माना मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, अपने इंद्रियों को निग्रह करना, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को निग्रह करना करता है। फिर दूसरा विदेही अवस्था माना देखते हुए नहीं देखना, और अशरीरी अवस्था माना बिल्कुल इस देह से परे, आत्मा परम धाम में पहुंच जाए, बिंदु रूप बन जाए, बिंदु बाप के साथ मिलन मनाए। देह यहाँ पड़ी है, मैं आत्मा तो परम धाम में हूँ। और देह अभिमानी मनिया, मैं आत्मा देह में हूँ, और देह में रहकर मैं आत्मा देह की इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ, और विदेह स्थिति देखते हुए नहीं देख रही हूँ, और अशरीरी माना देह से न्यारी हो गई, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ बस। और ये जो स्थिति हमने बनाई, वास्तव में यही संपन्नता का आधार है। इसीलिए समय को समीप लाना है तो क्या करना होगा? इन सब गुणों में संपन्न बनना होगा। तो ये अवगुण, कमजोरियाँ, कमियाँ, खामियाँ, बाबा जो ये शब्द कहते हैं, अवगुण, ये सब विकृतियाँ हैं। ये विकृतियाँ खत्म हो गई, हो जाए ये विकार। विकृति माना ही कोई विकार, कमजोरी ना, दीवार में दरार आती है तो क्या कहते हैं, विकार आ गया। तो कोई भी विकृति, कोई भी विकार, ये कमजोरी है। और कमजोरी को कैसे खत्म करेंगे? जब शक्ति भरेंगे तो बस। और शक्ति कैसे भरेंगे? जब इतनी ऊंची सोच होगी हमारी, और वही बाबा हमें सिखाते हैं। तो चलिए अब हम इसका अनुभव करेंगे। बैठिए सब, बिल्कुल